दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल का एक ऐसा क्लोज लूप है जिसमें इंसान कुछ इस तरह फंस जाता है जिसका ना कोई शुरुआती पॉइंट है ना कोई एंडिंग। हर घटना आगे होने वाली घटना की वजह होती है। ऐसे टाइम लूप में ये नहीं पता किया जा सकता कि इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। साथ ही इसमें टाइम ट्रेवलर कितनी भी कोशिश करे वो हिस्ट्री में हुई घटनाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आज हम ऐसी ही मूवी के बारे में बात करेंगे। इस कहानी में चार कैरेक्टर हैं, जैन, जॉन, बारकीप, फीजल बॉम्बर। असल में ये एक ही इंसान है जो बस अलग अलग समय से है। फिल्म की शुरुआत में एक इंसान दिखाया जाता है जो एक टाइम ट्रेवलर होता है। वो असल में एक बॉम्ब धमाके को रोकने आया होता है, इसीलिए वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश में लग जाता है जिससे धमाका ना हो। बॉम्ब डिफ्यूज करने के दौरान उस आदमी को लगता है कि वहाँ कोई और भी है और उसका धमाका बॉम्ब पर से भटक कर उस आदमी पर आ जाता है और वो बॉम्ब छोड़कर उसे ढूंढने लगता है। ये वही इंसान था जिसने वहाँ पर बॉम्ब प्लॉट किया था। उसी वक्त दोनों में गोलीबारी होने लगती है और इस गोलीबारी में बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होता और धमाका हो जाता है। इस ब्लास्ट के कारण कोट और टोपी पहना हुआ इंसान घायल हो जाता है और उसका मुंह जल जाता है। तभी वहां पर एक नए आदमी की एंट्री होती है जो जले हुए इंसान की तरफ बढ़ता है और उसे एक वायलिन जैसा बॉक्स देता है जो कि असल में एक टाइम ट्रेवल की मशीन होती है, जिसका उपयोग करके वो जला हुआ कोट और टोपी पहना शख्स साल 1992 में चला जाता है। ये वही साल था जहां से ये व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके बॉम्ब डिफ्यूज करने आया था। तो पिछले सीन में तीन लोग होते हैं। कोट टोपी पहने इंसान का नाम जॉन है, जिसने गोली चलाई उसका नाम फीजल बॉम्बर, और तीसरा इंसान जिसने जॉन को टाइम मशीन दी थी उसका नाम बारकीप है। ये तीनों इंसान असल में एक ही हैं जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए होते हैं। ध्यान से सुनते रहिए, कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है, उसे सुलझाते हुए हम आपको सब कुछ बताएंगे। उस इंसिडेंट के बाद जॉन 1992 में वापस लौटता है। चेहरा जलने के कारण उसे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा एक नया चेहरा दिया जाता है। असल में जॉन एक खुफिया एजेंसी का एजेंट होता है और इस एजेंसी के पास टाइम ट्रेवल की मशीन होती है जो उनके एजेंट को हिस्ट्री में घटी घटनाओं को रोकने के लिए दी जाती है। जहाँ तक बात है जॉन की, तो उसे फीजल बॉम्बर नाम के एक व्यक्ति को मारने का काम दिया गया था जो कि 1975 में न्यूयॉर्क में एक बहुत ही भयंकर बम धमाके को अंजाम देने वाला था जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने वाली थी। लेकिन लाख नाकाम कोशिशों के बाद भी अभी तक जॉन फीजल बॉम्बर को नहीं मार पाया था। अब जॉन को नए चेहरे के साथ नया नाम भी मिल चुका होता है। अब जॉन को हम बारकीप के नाम से बुलाएंगे। बारकीप को आखिरी मिशन दिया जाता है जिसमें वो 1970 में जाता है। वहाँ पर जाकर वो बार में बैठकर काम करता है। बार में एक दिन उसकी मुलाकात 1970 वाले जॉन से हो जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका जवानी वाला रूप होता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बारकीप जॉन को एक ही नजर में पहचान लेता है कि ये वो खुद है, लेकिन जॉन बारकीप को नहीं पहचान पाता क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसका चेहरा बदल चुका था। जवान जॉन बारकीप को ये बताता है कि वो एक किताब का लेखक है। उसके साथ ही वो बारकीप से और बातें करने लगता है और बातचीत में बताता है कि उसका जन्म एक बदकिस्मत लड़की के रूप में 1945 में हुआ था जिसको उसके माता पिता ने पैदा होते ही एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था। बाद में उसका नाम जेने रखा गया था और उसे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। उसने अनाथ आश्रम में महसूस किया कि उसमें दूसरे लड़कियों के मुकाबले ज्यादा ताकत थी। सब तरफ से निराशा मिलने के बाद उसने स्पेस कॉर्प्स ज्वाइन करने का मन बनाया जिसका हेड थे मिस्टर रॉबर्टसन। वो वहाँ काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है, लेकिन तभी एक दिन उसे उसकी फिजिकैलिटी में कुछ अलग होने की वजह से उसे निरस्त कर दिया जाता है और उसे एक झूठा कारण बताया जाता है कि उसकी वहाँ एक लड़की से लड़ाई होने के कारण उसे हटाया गया है। वहाँ से निकाल दिए जाने के बाद जेन बहुत टूट जाती है और कुछ समय के बाद एक नाइट स्कूल ज्वाइन करती है जहाँ उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है। जेन को उससे प्यार हो जाता है और दोनों के बीच ऑब्वियसली सेक्स होता है। दोनों के बीच कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन अचानक वो स्ट्रेंजर अपने किसी मजबूरी का बहाना देकर जेन से ब्रेकअप कर लेता है। उस स्ट्रेंजर के चले जाने के बाद एक बार फिर जेन निराशा में घिर जाती है। ये स्ट्रेंजर कौन था इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जेन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो कुछ समय बाद एक बच्चे को जन्म देती है जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी बाकी लड़कियों से थोड़ी सी अलग है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके शरीर में मेल और फीमेल ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। बच्चे की डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण उन्हें जेन का फीमेल ऑर्गन हटाना पड़ा जिसके बाद उसमें अब सिर्फ मेल ऑर्गन बचा था। देखिए थोड़ा अजीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि जेन अब एक आदमी है। इस सब के कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसकी बच्ची को किसी ने हॉस्पिटल से अगवा कर लिया है। लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पाती। फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ वो एक लड़के की तरह रहने लगती है और खुद का नाम जॉन रख लेती है। इसके बाद सीन वहीं शिफ्ट होता है जहां जॉन अपनी इन बातों को बताने के बाद रुक जाता है।
क्योंकि उसे लगता है कि बारकीप उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसे पता नहीं होता कि बारकीप भविष्य से आया जॉन ही है। वो जॉन को ये नहीं बताता कि वो उसका भविष्य है। बारकीप जॉन को बताता है कि उसे उस स्ट्रेंजर का पता है कि वो उसे कहाँ मिलेगा। ये वही स्ट्रेंजर है जिसने जैन की जिंदगी बर्बाद की थी। इतना ही नहीं, वो जॉन से ये वादा भी करता है कि वो उसे वहाँ ले आएगा और उस स्ट्रेंजर को मारने का एक मौका भी देगा, और वो भी बिना किसी परिणाम की परवाह किए। इसके बाद जॉन और बारकीप टाइम मशीन का उपयोग करते हैं और उस समय में पहुंचते हैं जहां जैन नाइट स्कूल अटेंड किया करती थी। जॉन अपने पास एक बंदूक रखकर उस स्ट्रेंजर को मारने निकल पड़ता है। उस स्ट्रेंजर को ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात जैन से हो जाती है और उसे जैन से प्यार हो जाता है। उसे ये समझते देर नहीं लगती कि वो जिस स्ट्रेंजर को मारने आया था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था जिसे जैन से प्यार हुआ था, और ये जॉन ही था जिसके साथ जैन ने सेक्स किया था, और तो और जॉन ही था जिसने जैन को छोड़ दिया था। जॉन और जैन की लव स्टोरी आगे बढ़ रही होती है, तभी बारकीप उन्हें वहाँ छोड़कर साल 1970 में बॉम्ब को डिफ्यूज करना चला जाता है। ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहाँ फीजल बॉम्बर बॉम्ब लगा रहा था। उन दोनों में लड़ाई होती है जिसके बाद बारकीप उस लड़ाई में बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो जॉन को देखता है जिसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। वो जॉन की तरफ टाइम मशीन बढ़ाकर उसे वापस उसके समय में लौटने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तभी फीजल बॉम्बर भी वहाँ से निकल जाता है। बारकीप दोबारा उस समय में जाता है जब जैन ने अपनी बेटी को जन्म दिया था। तभी उसकी मुलाकात मिस्टर रॉबर्टसन से होती है जो खुद भी वहाँ टाइम ट्रेवल करके आए होते हैं। उन्हें उस खुफिया एजेंसी का हेड बताया जाता है। इसके बाद बारकीप वहाँ से जैन की बच्ची को चुरा लेता है और उसे 1945 में ले जाकर एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देता है। बिल्कुल सही समझे, यहाँ ना सिर्फ फ्यूचर के जॉन ने जैन यानी अपने साथ सेक्स किया बल्कि जिसको जन्म दिया वो भी खुद ही है। शायद यही कारण है कि उस बच्ची में मेल ऑर्गन था और फीमेल ऑर्गन भी। यही है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जिसमें हमें ये नहीं बता सकते कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई थी। साल 1945 में उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ने के बाद बारकीप वापस उसी समय में लौट जाता है जहां उसने जॉन को जैन के साथ छोड़ा था। बारकीप बेंच पर बैठे जॉन को अपने पास बुलाता है। ये वही समय होता है जब जॉन ने जैन से ब्रेकअप किया था। तब बारकीप जॉन को वापस फ्यूचर में जाने के लिए बोलता है। वो दोनों टाइम ट्रेवल करके 1985 में जाते हैं जहां बारकीप मिस्टर रॉबर्टन से मिलता है और जॉन को वहीं छोड़ देता है। सदमे से बाहर आने के लिए वो जॉन के लिए अपनी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ता है जिससे वो हर चीज को समझ सके और उसकी कई बातों को फॉलो कर सके, जिसमें सारी सच्चाई होती है कि बारकीप उसका फ्यूचर रूप है। इसके बाद बारकीप साल 1975 में वापस रिटायरमेंट लेने पहुंच जाता है। ये वही साल होता है जहां न्यूयॉर्क में धमाका होने वाला था। बारकीप उस धमाके से कुछ दिन पहले के समय में पहुंचा है। दूसरी तरफ 1985 में जॉन अपने सदमे से रिकवर करने के बाद बारकीप की रिकॉर्डिंग सुनकर उसी खुफिया एजेंसी में एजेंट बनने का डिसाइड करता है, और 7 साल बाद मतलब 1992 तक वो एक पक्का एजेंट बन जाता है। वो टाइम ट्रेवल करके 1970 में एक कोट और टोपी पहनकर फीजल बॉम्बर द्वारा लगाए बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाता है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये फिल्म का शुरुआती सीन है जिसमें जॉन फीजल बॉम्बर की एक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट होता है और दोनों में गोलीबाजी होती है जिसके कारण बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो पाता। शायद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इस सीन में वो तीनों लोग कौन थे। बारकीप 1975 में रिटायरमेंट लेने पहुंचता है। साल 1975 में होने वाला बम हादसा अभी तक नहीं हुआ था। बारकीप रिटायरमेंट लेने के बाद अपने टाइम मशीन को डिकम्युनिशन करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी एरर के कारण ऐसा नहीं हो पाता। जब वो फाइल को चेक करता है तो उसे मिस्टर रॉबर्टसन द्वारा छोड़ा गया एक क्लू मिलता है जिसके द्वारा वो फीजल बॉम्बर को पकड़ सके जो 1975 में धमाका करने वाला है। उस क्लू का इस्तेमाल करके बारकीप उस जगह पहुंचता है जहां उस वक्त वो फीजल बॉम्बर मौजूद था। बारकीप जब फीजल बॉम्बर को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि फीजल बॉम्बर और कोई नहीं बल्कि उसका भविष्य का रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि बारकीप अब तक खुद के ही रूप को ढूंढने और मारने की कोशिश कर रहा था। फीजल बॉम्बर को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग पर बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से असर पड़ा हो, जिसने आगे जाकर उसे पागल जैसा बना दिया और वो बारकीप से फीजल बॉम्बर बन गया। इसीलिए वो टेरर अटैक्स को रोकने की कोशिश में और हत्याएं करने लगा। फिल्म के आखिर में बारकीप फीजल बॉम्बर को मार देता है, पर वो अपनी टाइम मशीन के बारे में मिस्टर रॉबर्टसन को नहीं बताता, जो कि एक एरर के कारण अब भी चल रही थी। ये बात इस ओर इशारा करती है कि बारकीप आगे और भी टाइम ट्रेवल करता रहेगा। हमने इस फिल्म में देखा कि जब कोई टाइम ट्रेवल करता है तो उसके दिमाग पर भी उसका असर पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बारकीप जब जब टाइम ट्रेवल करेगा तो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा और वो पागल हो जाएगा और अंत में फीजल बॉम्बर बन जाएगा। बारकीप के भविष्य में फीजल बॉम्बर बनने का कारण भी यही है
क्योंकि ये फिल्म प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर आधारित है, जिसकी सच्चाई ये होती है कि घटित घटनाओं को बदलने की कोशिश में आप खुद भी घटना के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।